दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैट इन्फोवेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ विदर्भा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से गोंडिया जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 121-05। यह ट्रेन 16 घंटे 10 मिनट में 963 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 59 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सारे दिन चलती है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 3120 रुपये, सेकंड एसी का किराया है 1835 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1280 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 485 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 263 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों की। यह ट्रेन हर रोज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शाम के 7:05 पर 18 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है दादर सेंट्रल, जहां पर ये शाम के 7:17 पर पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है थाने, जहां पर ये रात के 7:43 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कल्याण जंक्शन, जहाँ पर यह रात के 8 पहुँचती है और यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है इगतपुरी, जहाँ पर ये 8:40 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है दोस्तों, वो है नासिक रोड, जहाँ पर ये रात के 10:35 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मनवाड़ जंक्शन, जहाँ पर ये 11:33 पर रात को पहुँचती है और यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला जो स्टेशन आता है वो है चालीसगांव जंक्शन, जहाँ पर ये 12:18 पर पहुँचती है रात को और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है जलगांव जंक्शन, जहाँ पर ये रात के 1:28 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है भूसावल जंक्शन, जहाँ पर ये 2:05 पर पहुँचती है और यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन है मलकापुर, जहाँ पर ये 2:53 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है नंदूरा, जहाँ पर ये 3:18 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है शिगांव, जहाँ पर ये 3:38 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है अकोला जंक्शन, जहाँ पर ये 4:15 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों, वो है मूर्तिजापुर जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 4:48 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बदनीरा जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 5:50 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है चंदौर, जहाँ पर ये 6:19 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है धमन गांव, जहाँ पर ये 6:35 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन है पुलगांव जंक्शन, जहाँ पर ये 6:53 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है वर्धा जंक्शन, जहाँ पर ये 7:25 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अजनी, जहाँ पर ये 8:22 पर सुबह पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है नागपुर जंक्शन, जहाँ पर ये 8:55 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है।
अगला इसका स्टेशन है कापती, जहाँ पर ये 9:29 पर पहुँचती है, 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है भंडारा रोड, जहाँ पर ये 10:04 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों, वो है तुमसर रोड जंक्शन, जहाँ पर ये 10:21 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। सेकेंड लास्ट जो इसका स्टेशन आता है वो है तिरोरा, जहाँ पर ये 10:38 पर सुबह पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी इसका स्टेशन आता है गोंडिया जंक्शन, जहाँ पर ये 11:15 पर पहुँचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।